नाउ लेट्स वी लर्न अबाउट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो कर्व है, इट इज द कर्व दैट शोज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स एब्जॉर्ब्ड बाय अ सबस्टांस, जो शो करता है कि अलग अलग वेवलेंथ जो लाइट का है वो सबस्टांस के द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया कर रहा है। अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के जब पड़ती है किसी सबस्टांस पर तो उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो जो शो करता है जिस कर्व के द्वारा, उस कर्व को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एंड दैट सबस्टांस इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और वह सबस्टांस क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। यहाँ द ग्राफ बिलो शोज द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए टू एब्जॉर्ब लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब देखिए ये जो ग्राफ हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ हम दिखा रहे हैं क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, ये क्लोरोफिल ए के द्वारा एब्जॉर्प्शन हुआ, तो वो दिखाया जा रहा है कि अलग अलग वेवलेंथ जब रहता है, 400 रहा तो कितना एब्जॉर्प्शन है, 500 का है तो कितना है, 400 से 500 के बीच में क्या है, 500 से 600 के बीच में क्या होता है, 600 से 700 के बीच में क्या एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस एब्जॉर्प्शन को स्टडी करने के लिए एक अच्छा सा माध्यम है हमारा क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी एब्जॉर्ब करने की स्टडी करते हैं। क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक एट 450 नैनोमीटर। ये क्लोरोफिल ए जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है कितना पर, 450 नैनोमीटर पर, एंड ऑल्सो शोज अनदर पीक एट 650, और दूसरा पिक यह बनाता है 650 नैनोमीटर पर। यानी क्लोरोफिल ए दो पिक बनाते हैं, एक बनाते हैं 450 नैनोमीटर और दूसरा 650 नैनोमीटर पर, जो आप यहां से देख सकते हो 400 और 500 के बीच में यह 450 पर आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है, और दूसरा 600 और 700 के बीच में 650 पर, है ना, यहाँ होगा 650, तो 650 पर यह मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है कौन, क्लोरोफिल ए। यहाँ हो गया 450 के आसपास, और 650 के आसपास यह मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करता है कौन, क्लोरोफिल ए। तो रिमेंबर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज कंस्टिट्यूटेड बाय द पिगमेंट लाइट्स वायलेट ब्लू ऑरेंज एंड रेड। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो देखा जाता है पिगमेंट पर, वह देखा गया किसके द्वारा, वायलेट ब्लू ऑरेंज और रेड के द्वारा, यानी 400 से 500 और 600 से 700 नैनोमीटर लाइट्स रेंज पर क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वही यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको यहां पर यह ड्रैग है। क्लियर है? द इमिशन स्पेक्ट्रम इज कंस्टिट्यूटेड बाय येलो एंड येलो ग्रीन पिगमेंट 500 से 500 नैनोमीटर। और इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है वह कंस्टिट्यूट करता है कितना, 500 से 550 नैनोमीटर जो होते हैं वो होते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ 500 से 550 नैनोमीटर है, ये शो करेंगे क्या, इमिशन स्पेक्ट्रम। एक नेक्स्ट स्पेक्ट्रम जो है वह स्टडी करना है हम लोग को, एक्शन स्पेक्ट्रम। अभी देखे थे हम लोग कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, अब देखेंगे कौन सा, एक्शन स्पेक्ट्रम। इट इज द कर्व, यह भी कर्व है, दैट डिसाइड्स द रिलेटिव रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, कि अलग अलग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट पर फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, है ना, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो देखते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स एट ब्लू वायलेट एंड रेड वेवलेंथ इन ए प्लांट। और यह देखा गया है कि मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वह होता है ब्लू वायलेट और रेड वेवलेंथ पर। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि प्लांट में मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस पर होता है, रेड ब्लू वायलेट, और ये शोन किया जाता है क्लोरोफिल ए के द्वारा। Hence this concludes that chlorophyll A is the chief pigment which is majorly responsible for the photosynthesis। और ये experiment से द्वारा देख लिया गया कि chlorophyll A ही है जो कि chief
पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफिल ए। ओके, क्लोरोफिल ए द मेजर पिगमेंट विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। और क्लोरोफिल ए ही है जो कि ट्रैपिंग ऑफ लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। माने सारा कर्ता धरता कौन है, घर का बेटा कौन है? क्लोरोफिल ए। एसेसरी पिगमेंट्स, आप देखते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, एक कमाए बाकी खाए, है ना, मजा मारे, तो दैट इज एसेसरी पिगमेंट्स। अदर थैलाकॉइड पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। अब क्लोरोफिल ए छोड़ दीजिए, बाकी जितना जो है वो सब एसेसरी पिगमेंट्स है, जैसे क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, ये सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स है। ये भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और ट्रांसफरिंग एनर्जी टू क्लोरोफिल, एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं? क्लोरोफिल ए को, कि लो भाई तू घर का मुखिया है, तुम ही संभालो, हम कुछ कमा के लाते भी हैं तो तुम ही को देते हैं। दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स, तो ऐसे पिगमेंट्स को कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल ए को छोड़ करके क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स। दीज पिगमेंट्स इनेबल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस and also provide protection to chlorophyll A from photo oxidation. अब ये जो तीनों पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स, जिसको कि एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, ये अलग अलग जो वेवलेंथ के जो वाइडर रेंज भी है ना इनकमिंग लाइट को, उसको ये ट्रैप कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, और साथ ही साथ ये क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन भी देते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से। किस चीज से? फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कौन? एसेसरी पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, PAR का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इट इज द रीजन ऑफ वेवलेंथ इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस नॉर्मली। इट रेंजेज फ्रॉम 400 से 700 नैनोमीटर, और इसका रेंज जो होता है 400 से 700 नैनोमीटर होता है। कितना होता है PAR का रेंज? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज को क्या है रेडिएशन? 400 से 700 नैनोमीटर। और यह क्या है? यह रीजन है वेवलेंथ का, इट इज द रीजन ऑफ वेवलेंथ इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वह 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच के ही वेवलेंथ ऑफ लाइट पे होता है नॉर्मली, ठीक है ना, इसीलिए इसे PAR कहते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो समझ गए, अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। In this process, oxidation of water and reduction of CO2. यहां आप याद रखेंगे कि वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, नंबर वन यह याद रखना है आपको, और दूसरा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। ये दो चीज आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है? वाटर का। रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किस में? तो फोटोसिंथेसिस में टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेज, और दो फेजेज में फोटोसिंथेसिस होते हैं। जब लाइट होता है तो उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, और जब लाइट नहीं रहे उस समय हो तो उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज। ओके, लाइट रिएक्शन का सेकेंडरी नेम फोटोकेमिकल फेज, और डार्क रिएक्शन का सेकेंडरी नेम होता है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज इज सेकेंडरी नेम ऑफ डार्क रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे और देखते हैं।